प्रधानमंत्री इसका जवाब दें, देश जवाब मांग रहा है। राफेल के वो कौन से रहस्य हैं, राफेल का वो कौन सा गड़बड़ झाला और घोटाला है जो मनोहर पारिकर जी के बेडरूम में, फ्लैट में, उनके रहस्य में बंद है? क्या चौकीदार मनोहर पारिकर जी को से इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि वो सारा गड़बड़ झाला और भ्रष्टाचार, फाइलों की वो सारी परतें और नोटिंग्स, जैसा मनोहर पारिकर जी के मंत्री ने बताया, उन फाइलों के अंदर बंद हैं जिनकी कॉपी मनोहर पारिकर जी के पास है? और क्या चौकीदार इसी गड़बड़ झाले और घोटाले के चलते ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से राफेल घोटाले की प्रोब इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते? क्योंकि चाहे भाजपा के भी सांसद हों, राफेल की फाइलें तो आएंगी ही, और जब फाइलें आएंगी तो घोटाला उजागर होगा, भ्रष्टाचार उजागर होगा और चौकीदार पकड़ा जाएगा। और इसीलिए चौकीदार आज हर सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। वो कहते हैं उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं। ये है व्यक्तिगत आरोप मोदी जी, ये साक्ष्य और तथ्य है मोदी जी आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोपों के। और दूसरा व्यक्तिगत आरोप है जो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलेंडे ने आप पर लगाया था कि पूरी डील में आपने ये शर्त रखी व्यक्तिगत तौर से कि अनिल अंबानी को ठेका मिलेगा सरकारी कंपनी से छीनकर तो जहाज खरीदे जाएंगे, वरना नहीं। इस बात की पुष्टि फ्रांसवा होलेंडे जी ने दोबारा की, और आज जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने फ्रांसवा होलेंडे की बात काटने से इनकार कर दिया और कहा कि वो तो उस कमरे में थे नहीं, फ्रांसवा होलेंडे थे। और अब तो आपके पूर्व रक्षा मंत्री आपकी राफेल की फाइलें लिए बैठे हैं और कहते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि राफेल की फाइलें उनके बेडरूम, उनके फ्लैट के अंदर बंद हैं। उन फाइलों में वो कौन सा गड़बड़ झाला और भ्रष्टाचार है जो बंद है? आज इस बात का खुलासा संसद और देश दोनों जानना चाहते हैं। मनोहर पारिकर जी के पास जो राफेल की फाइल है वो देश के सामने आए, वो रहस्य उजागर हो, अब ये आवश्यक हो गया है। क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये मनोहर पारिकर जी के मंत्री बता रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में जो हुआ जब उन्होंने कहा उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास राफेल की फाइल्स हैं। जी बिल्कुल नहीं, कांग्रेस अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच की अपनी मांग पर अडिग है वो, परंतु संयुक्त संसदीय समिति की जांच की जरूरत क्यों? वो सारे तथ्य आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण संसद के पटल पर रखेंगे क्योंकि केवल और केवल इस पूरे घोटाले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर सकती है, जो सारे तथ्य भी मंगा सकती है, जो राफेल के वो सारे रहस्य जिसके राजदार तथा कथित तरीके से अब श्री मनोहर पारिकर भी हैं, जो उनके कथित बयान में सामने आ रहा है जैसा उनके मंत्री ने कहा, तो वो सारे तथ्य सामने आएंगे, साक्ष्य आएंगे, सबको बुलाया जाएगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, प्रधानमंत्री को जेपीसी के सामने जाना पड़ेगा और घोटाला और गड़बड़ झाला सामने आ जाएगा। ये भाजपा का नजरिया है। हमारा ये मानना है कि जेपीसी आज बिठाइए, 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, फाइल्स देखेंगे, साक्ष्य देखेंगे, प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, मनोहर पारिकर जी को बुलाएंगे, अनिल अंबानी जी को शायद समन करेंगे, HAL के प्रमुख को बुलाएंगे, निर्मला सीतारमन जी को बुलाएंगे, 10 दिन में सारे मामले का पटाक्षेप हो सकता है। इसलिए ये उन भारतीय जनता पार्टी का आर्ग्यूमेंट है कि जब वो चले जाएंगे तो फिर नई JPC बिठानी पड़ेगी, पर मोदी जी आपके साथ तो इसी संसद के अंदर न्याय हो जाएगा क्योंकि राफेल का भ्रष्टाचार और घोटाला सामने है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।